हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और उम्मीद करता हूँ आप सब खुश और स्वस्थ होंगे। अगर वर्क फ्रॉम होम सेटअप के लिए आप भी एक स्टडी डेस्क की तलाश कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है। जानने के लिए देखते रहिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। इस टेबल को मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था और सेलर का नाम है मीरा हैंडीक्राफ्ट। कलर्स की बात करें तो ये दो कलर वेरिएंट्स में आती है, एक ब्राउन और दूसरा हनी ब्राउन। जो कलर मेरे पास है वो है हनी ब्राउन। और अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस टेबल को बनाने के लिए शीशम की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि अनबॉक्स करते टाइम इसके वेट से महसूस भी होता है। दोस्तों, अगर इस टेबल को आप मंगवाते हैं तो याद रखिएगा कि इस टेबल को असेंबल आपको घर पर खुद करना होगा, जो कि आसान भी है और इंटरेस्टिंग भी। आगे वीडियो में आपको ये देखकर भी पता लग जाएगा। टेबल के साथ ही आपको एक स्पैनर भी मिलता है, जिसकी मदद से आप पूरी टेबल को असेंबल कर पाएंगे। ना सिर्फ टेबल ही बट इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। चारों कॉर्नर्स में आपको एक सॉफ्ट कुशन दिया जाता है ताकि डिलीवरी के टाइम तक आपके पास ये टेबल आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से पहुंच जाए। तो लीजिए, बारी आती है अब टेबल की लेग्स को अनबॉक्स करने की। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेबल का वेट काफ़ी ज़्यादा है, सेम चीज़ फील होगी जब आप इसके लेग्स को भी उठाकर देखेंगे। और पैकिंग तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पैकिंग काफ़ी अच्छी है इसकी। जब आप इस लेग को अनबॉक्स करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसके हर एक पार्ट जो कि इसको बनाने में इस्तेमाल किया गया है, जस्ट लाइक नट बोल्ट पर भी कोटिंग आपको मिलेगी। आपको ये महसूस नहीं होगा कि ये एक नॉर्मल टेबल है, एक प्रीमियम फील आपको हर टाइम हर एक एंगल से एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। अब मैं कर लेता हूँ बाकी के पार्ट्स को अनपैक और फिर स्टार्ट करेंगे टेबल को असेंबल करना। ये वो एरिया है जहाँ पर हमें प्रोविज़न दिया गया है टेबल के लेग्स के नट बोल्ट्स को कसने के लिए। और कन्फ्यूजन से बचने के लिए कि कौन सा लेग किस एरिया में फिट होगा, टेबल के अंदर मार्किंग की गई है मार्कर से, और सेम मार्किंग्स आपको मिलेंगी टेबल के लेग्स के नीचे, ताकि आप इजीली देख सकें और लगा सकें टेबल के लेग्स को उसी एरिया में जिसके लिए वो बना है। फ़िलहाल के लिए जो लेग मेरे हाथ में है उसका नंबर है 7, जिसको मैं अभी के लिए रख देता हूँ साइड में, क्योंकि मेरे सामने नंबर है 5 और 6। तो मैं प्रोसीड करता हूँ नंबर 5 के साथ। लीजिए दोस्तों, 25% काम हो गया है कंप्लीट, क्योंकि यहाँ लगा दिया है मैंने टेबल की एक लेग को। ठीक इसी तरीके से बाकी के तीनों भी लेग्स लगा के मैं दिखाऊंगा कि कैसा लगता है टेबल का लुक्स। इसको लगाना बहुत ही आसान है, पर क्योंकि मेरे हाथ में एक कैमरा था और दूसरे हाथ से मैं इसकी असेंबली कर रहा था तो थोड़ा सा मुश्किल था इसको लगाना। पर देखिए कितना सुंदर लग रहा है अब ये असेंबल होने के बाद। इसकी ड्रॉअर्स की बात करें तो ये भी काफ़ी डीप है और इसमें काफ़ी सामान आपका आ सकता है। ठीक इसी तरीके से आपको दूसरी भी ड्रॉअर मिलती है, तो इन टोटल 2 ड्रॉअर्स के साथ ये शीशम की टेबल काफ़ी फ़ायदे वाली डील रही।
इस टेबल पर एक साथ आप दो लैपटॉप या फिर एक लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप के साथ प्रिंटर भी रख सकते हैं। इस टेबल की पॉलिश भी काफ़ी अच्छी है, टच करने पर आपको काफ़ी स्मूथ फील आता है और टेबल में कोई ऐसे एजेस भी नहीं है जिससे आपको लगे कि आपको चोट पहुँच सकती है। तो इन ऑल टेबल की डील काफ़ी अच्छी रही है। तो ये थी एक वर्क फ्रॉम होम यूज़र्स के लिए एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार वालों को ख्याल रखिए।